अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, आप मेरे पीछे देख सकते हैं खैबर शिनवारी। इस दफ़ा फिर हम आए हैं जी एक बार खैबर शिनवारी पर। और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो यहाँ के ऑनर है जुमा खान भाई, तो वो हमसे बिल नहीं ले रहे थे और वो बजिद से कि आप नेक्स्ट वीक जो है वो आप हमारे मेहमान बने। तो लिहाजा उस वक्त हमने उनसे माजरत की थी कि हम ये वादे के साथ उन्होंने हमसे बिल लिया था कि हम नेक्स्ट टाइम यहाँ ज़रूर आएंगे। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ बहुत ही ख़ास मेहमानों से। तो चूँकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, अगर जुमा भाई ने मुझे दावत ना भी दी होती शाजियाज फैमिली को, तब भी हमने उनको यहीं इनवाइट करना था। और साथ ही साथ जो है हम आपको मिलवाएंगे अपने बहुत ही ख़ास मेहमान से। आप सब में से अक्सर लोग जो है वो उनके भी सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए मैं सस्पेंस रखूँगी, तब तक आप सोचें कि वो कौन हो सकते हैं। ये बता दूँ वो भी बहुत अच्छे व्लॉगर हैं और कराची के व्लॉगर हैं जी, और मैं उनको बहुत ज़्यादा देखती हूँ और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। और जब तक वो नहीं आते थोड़ा सा सस्पेंस कायम रहने दें, तो इंशाल्लाह वो भी जैसे पहुंचते हैं तो हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ पर मैं बता दूँ, मेरा टर्न करें ज़ुल्फ़िकार साहब, जब लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पर आपने देखा था कॉरिडोर सा बना हुआ था, कॉरिडोर के इस साइड पर फैमिली थे और इधर जेंट्स थे। अभी भी यही है, इस साइड पर फैमिली थे आई थिंक और इस साइड पर जो है वो जेंट्स बैठे हुए, लेकिन अब इन्होंने कॉरिडोर को इस तरह से ओपन कर दिया है। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर अभी अभी थोड़ी देर पहले ही होंगे, है ना। जुमा भाई के क्या है? अब्बू के दोस्त। वो अब्बू के दोस्त हैं। आप कौन हैं? ये मेरे भाई हैं। ये इनके भाई हैं। और आप किसके बेटे? ये ओनर के बेटे। ये ओनर का नाम क्या है? हाजी अनार गुल भी जो है वो यहाँ के ऑनर है। अब ये तो मैंने जुमा खान भाई से पूछूंगी एग्जैक्टली यहाँ के कितने ऑनर है? तीन ऑनर से यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि पैसे इतने ज्यादा लगेंगे ना, एक बंदा तो नहीं कर सकता। अच्छा, एक हाजी अनार गुल, एक जुमा खान भाई और एक हाजी नईम खान भाई। और एक हाजी नईम खान भाई जनाब। तो ये तीनों यहाँ के ऑनर है, तो ये उनके बच्चे है। कैसा लग रहा है आपको? और जो रिसेप्शन पे अभी लड़का है ये पहचान जैसे ही, क्या नाम है? तो जी ये रिसेप्शन पे होते हैं सैफ और ये पहचान गए हैं हमें। खैर बहरहाल अभी हम चलते हैं अंदर। तो जी ये साहब हमारे साथ जो चल रहे हैं ना यहाँ पर, ये भी कोई कम शायर नहीं है, ये टिकटॉक के नाम बताओ जरा आपने। सैफ अली नहीं, टिकटॉक पे किस नाम से? तो सैफ खान ऑफिशियल के नाम से इनका टिकटॉक पे जी अकाउंट है, ज़रूर जाइए इनकी वीडियोस देखिएगा। अभी एक छोटा सा मैंने क्लिप देखा है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया, जिसपे ये बता रहे हैं कि 8 घंटे इनको लगे, तो ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा जी। वेलकम। थैंक यू बेटा। पहला चैनल है जो मैंने टिकटॉक का अपने चैनल पर प्रमोट किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? पहचान गया, लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू लिया था। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फारूक साहब को मैं लास्ट टाइम देखा था। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, आए थे लेकिन अब वीडियो तो बंद हो चुकी थी, क्लोज कर दिया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं भी बना रहा हूं। ऐसा ही हुआ था, मुझे थोड़ा सा इसलिए याद आ रहा है कि जब मैंने एडिट किया था ना, तो जब हम मतलब उसको वाइंड अप कर रहे थे अपनी वीडियो को, तो ये पीछे से नमूदार हुए और मैंने चाह कर भी लेना चाह, लेकिन कुछ था नहीं पीछे, वरना अदरवाइज मैं म्यूजिक भी लगा देती होती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों का जब लास्ट टाइम मैं आई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस दफ़ा जब मैं आई तो अब मुझे पहले से ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि आपने जो बटन हटा दिए ना बीच में से, पार्टीशन तो है, फैमिली इधर है और ये थोड़ा बढ़ा भी दिया है आज आपने ना। हाँ जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पहले जो था ना वो यहाँ तक लगे हुए थे तख्त पोश, ये जो आप देख रहे हैं बीच में राह गुजर सी है,
उसके बाद जो एरिया था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वेटिंग एरिया था और फिर बच्चों का प्ले एरिया था। लेकिन अब इन्होंने ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर फैमिलीज बहुत ज़्यादा आ रही है माशाल्लाह से। क्यों ना आए, जब एक दफ़ा खाना खाकर गए तो हम भी आए हैं, तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी आते होंगे। और आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई? मैं एज ए मैनेजर। एज ए मैनेजर, नाम बताइएगा। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक भाई यहाँ पर एज ए मैनेजर जॉब करते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी आए थे लेकिन तब हम वीडियो बंद कर चुके थे। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने मेहमानों का, और हमने सोचा कि क्यों ना जब तक इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा हस्बैंड एंड वाइफ जो वीडियो भी बना लें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं तो गेस्ट के साथ तो सोच रही थी ना कि ये आ रही नहीं, इन्होंने अकेले आ रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे कहा था ना ज़्यादा देर में सरप्राइज़ नहीं रखूंगी, लेकिन सरप्राइज़ तभी पता चलेगा जब वो आ चुके थे। तो आप लोगों ने यकीनन पहचान लिया होगा क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर इनके भी सब्सक्राइबर हैं। तो ये है जो हमारे कराची के बहुत ही मशहूर सब्सक्राइबर, बड़े मायानाज सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर भी हैं हमारे। मैं सब्सक्राइबर भी हूँ जी, शाजिया फैमिली का और दुल्फिकार भाई का माशाल्लाह से, और सबको मेरी तरफ से सलाम और बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जी कराची के, ये माशाल्लाह से इनकी तो मैं कोई वीडियो नहीं छोड़ती। बहल भाई बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, और बहुत अरसे से मेरा दिल था, पता कब से? हब वाली वीडियो से मेरा दिल था कि मैंने इनसे एक दिन मिलना जरूर है, और होना भी चाहिए। कराची के जो यूट्यूबर से मेरा एक काविश है हमारी कि हम तमाम कराची के यूट्यूबर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, दोस्तों की तरह एक फैमिली की तरह हम मिले, एक दूसरे के साथ गपशप करें, एक दूसरे की हेल्प जहाँ हो सके हम करें। तो ये हम लोगों को करना चाहिए गेट टुगेदर। तो कैसा लग रहा है भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके, और जब भी कोई बंदा या आप तो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से कम उन फीमेल्स में से हैं जो कि कराची को बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को ऐसे एक्सप्लोर कर रही हैं, और माशाल्लाह से आपके हस्बैंड भी जिस तरह से आपका इसमें साथ दे रहे हैं, तो ये बड़ी फैमिली तो नहीं, हाँ पॉसिबल नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं एक्सप्लोर करना, देखना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। वो आपकी आप जिस तरह से एक्सप्लोर करके दिखा रही हैं तो वो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है आपसे, और बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं, क्योंकि फ़ीमेल के लिए हमारे इस माशरे में रह के, पाकिस्तान में रह के ये काम करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। ये देख लीजिए कि ये यही समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि आपको एक तो फीमेल होकर ये काम करना, और फिर दूसरा आपको ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग की वीडियो बनाना, हर चीज का आपको पता है कितना होता है। तो यही बता दे, हमारा दुख एक जैसा। तो बहरहाल ये कि भाई मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, आपकी वीडियो कमाल की होती है, मजा आ जाता है। यानी कि जो मैं पहले देखती थी ना किसी की वीडियो में मुझे समझ आए, बस ज्यादातर इधर उधर की बातें या अपना फेस दिखा दिया, लेकिन जब कोई चीज मुझे मालूम करनी होती है ना, तो मैं जैसे हब जाना था तो इनकी वीडियो को मैंने देखा, उनसे जो मुझे समझ लगी ना वो किसी और वीडियो से नहीं लगी। तो इस तरह से होता है कि कोई हमसे देख के इंस्पायर होता है तो हम इनसे देख के वेब सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया, ये मेरी काफी सारी वीडियो में कमेंट करते हैं, सॉरी थोड़ी सी थक जाती हूँ। ऐसी बात है, आपका जिस तरह बिजी शेड्यूल है और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, तो बड़ा मुश्किल होता है, आप देख लेती है यही बहुत है। तो इस कैमरे में जो है हमारे व्यूवर्स भी आपको देख रहे हैं, तो ये भी साथ साथ देखें जी। ये देखिए जी, शाजिया फैमिली के साथ हमारा आज मीटअप है, और दो दो कैमरे हमारे एट अ टाइम चल रहे हैं। अच्छा ना भाई के ना चैनल का नाम बताना, आपको भूल गई थी क्योंकि हम लोगों ने और तरफ चले गए तो पहुँच। लेकिन ये कि भाई का नाम जनाब है ईट एंड डिस्कवर, तो इनको पता है सारों का, पता है। आपको जानते भी है काफी सारे, क्योंकि जब मीटअप पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना ऑफ द कैमरा, तो लोग पहचानते हैं। तो ई टैंक डिस्कवर वाले, तो मैंने कहा था एक दिन मैं जरूर मिलूंगी और आपकी भी मुलाकात करवाऊंगी। तो ये है जी बाबर भाई, इनका असली नाम बाबर है, और बाकी तो मेरा नकली नाम ईट एंड डिस्कवर है। और मेरा असली नाम भी शाजी है। देखिए मैं एक चीज अभी इनके चैनल के हवाले से भी, अपने भी हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए जो भी लोग यूट्यूब में काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काम शुरू किया था तो मेरे जब 500 सब्सक्राइबर थे, मैंने
10-12 हज़ार सब्सक्राइबरों से कोशिश की मिलने की, लेकिन उन्होंने घास नहीं डाली। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि वक्त साथ अल्लाह ने, जब मेहनत करते रहे अल्लाह खुद तरक्की देता है। अभी बहुत लोग मिलते हैं मोहब्बत से, इनको भी मिलते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो हमारा काम है कि हम सबसे मिलें, सबको इज्जत दें, और जो लोग नए शुरू कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करें यार साथ साथ। ये सबके लिए मेरा मैसेज है कि उनको अप्रिशिएट भी करें, ये ना समझ लें कि यार हम कोई चीज़ बन गए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ इंसान सोचे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड भी ये बात कहने की कोशिश करता हूँ कि सारी तारीफ और जो इज्जत है वो अल्लाह के लिए, इंसान के अंदर ये तकब्बुर गुरूर ना आए, और इसी तरह मोहब्बत और इज्जत से सब एक दूसरे के साथ मिलें और चलें, इस कम्युनिटी को लेके चलें, ताकि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज जाए। नेगेटिव इमेज हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि आपको टीवी चैनल से मिल जाएगी, पॉजिटिव इमेज देने की कोशिश करें, बस ये मेरा एक मैसेज। और मैं वेलकम करूँगी इनकी बहन भी आई है, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे बुलावे पे भाई के साथ आई है, आपकी बहुत बड़ी इज्जत नवाजी कि आप अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर आए हैं, तो वो चूँकि कैमरे के सामने नहीं आती हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपके हल्का सा ये शादिया फैमिली माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी आज एक सरप्राइज, इन्होंने एक मीटअप रखा हुआ था, अचानक इन्होंने कल कॉल की, तो भाई सबको माशाल्लाह सबको ही वेलकम करते हैं और इज्जत देते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि इन्होंने कॉल की और मुझे यहाँ बुलाया और हम यहाँ आए। अभी हम लोग कहाँ हैं प्लीज़ आप ही बताइए ज़रा हमारे व्यूअर्स को। जी हम लोगों ने तो इंट्रो में अपने बता ही नहीं दिया, लेकिन आप लोगों को भी बताते हैं, हम इस वक्त जी खैबर शिनवारी पर, और खैबर शिनवारी जो है वो मेन हाईवे पर है, कराची से जब आप लाहौर जाते हैं हैदराबाद, तो ये मोटरवे भी आप इसको कहते हैं, लोग ज़्यादातर लोग स्मार्ट मोटरवे भी कहते हैं, और वैसे ये कराची हाईवे पर मौजूद है बिल्कुल खान रेस्टोरेंट के साथ, नेक्स्ट यही आता है, और यकीन जाने यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त था। मेरी एक वीडियो है, अगर आप लोग देख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी वीडियो में आप देखिएगा, खाना बहुत ज़बरदस्त है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, सबसे बड़ी बात है यहाँ के ऑनर बहुत अच्छे, अभी हम मुलाकात करवाएंगे आपकी भी, वेट हो रहा है इनका जनाब, हमारा भी हो रहा था, आपका भी हो रहा है, और यहाँ पर इन्होंने कुछ चेंजिंग्स की है पहले की नस्बत, जो कि बहुत अच्छी चेंजिंग्स है, वो आगे आपको ये बताएंगे कि इनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। और बाकी मैं बाबर भाई ये भी बोलना चाहूँगी, आप सब में से जब मेरे भी जो देखने वाले हैं और बाबर भाई के भी, कि याद रखिएगा मैं कहती हूँ कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मत अपनाइए प्लीज़, किसी को पैसा मत दे के चैनल प्रमोट करें, किसी की मिन्नतें समाजी दें, गिफ्ट वगैरह मत दें, या किसी के मतलब किसी भी तरीके से मत करें, जितनी आप मेहनत इस पर करते हो, वक्त ज़ाया करते हो, और फिर सबसे बड़ी बात है आपका दिल दुखता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर आप क्या करते हो चैनल ही छोड़ देते हो, नहीं आप वो मेहनत अपने चैनल पे करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आओ, मेहनत करो, और फिर देखना अल्लाह पाक मेहनत करने वालों के साथ है, यही हमने भी किया है, हमने किसी से प्रमोशन नहीं करवाई, किसी से ये तक नहीं कहा कि शाजिया का एस भी बोल दो, ठीक है, हाँ अलबत्त इज्जत की है अपने से बड़े यूट्यूबर्स की, बहुत इज्जत की है, जिनको देख के हम इंस्पायर होकर वीडियो बनाई है, उनका नाम लिया है, उनको बुलाया है, उनकी रिस्पेक्ट की है, इसलिए नहीं कि हमें कोई फेम अल्लाह ने दे दिया हुआ था, लेकिन इज्जत करके भी दिखाइए कि हम अपने सब्सक्राइबर की भी इज्जत करते हैं और अपने यूट्यूबर्स की भी इज्जत करते हैं, यही वजह है कि बाबर भाई को भी हमने यहाँ इन्वाइट किया, बहुत शुक्रिया बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ बुलाया, और अभी हम चल के खाने का, तो आपको पता है मैं कितना शौकीन हूँ तो खाना तो मैं आपको पता है कहीं नहीं छोड़ता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ आपको अच्छा खाना मिले अल्लाह का शुक्र अदा करके आपको खा लेना चाहिए, और फिर बाबर भाई ने कहना चलो आओ मेरे पास, ये डायलॉग आपने जरा सही तरह एकदम मेरे स्टाइल में आपने बोल के दिखाना है, ये आपने स्टाइल कॉपी नहीं कर सकती मेरा स्टाइल जो है ना वो बड़ा आजकल मार्केट में चल भी रहा है, आपने जरा एक बार फिर आओ साढ़े नाल ऐसी चलेगी ना तो फिर अभी चल के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल, अच्छा मैं साढ़े नाल बोल देती हूँ, हम लोग सब पहले इकट्ठे हम फैमिली है ना, अकेली तो मैं होती नहीं हूँ, तो हम साढ़े बोल देते हैं, तो पता जी, तो यहाँ पर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा करवा दिया गया है, और यहाँ पर हम बैठते हैं, हर वीडियो में आते हैं आपके, और ये जी मुलाकात हो रही है अब्दुल्ला की, आप कैसे हैं, ठीक है, मार मार लग रहे हैं, डाउन लग रहे हैं, क्या चक्कर है, हाँ थोड़े हैं ये आज, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खाएंगे पिएंगे ठीक हो जाएगा, असल में इसको थोड़ा सा पेट टमी थोड़ा सा इसका डिस्टर्ब था, और उसे ड्रोन उड़ाया, अभी ड्रोन देखे, ड्रोन उड़ाते हैं, सही है, अभी ड्रोन उड़ाते हैं, सही है, अभी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल सेट हो जाओगे एकदम, ड्रोन ने बिठा के उड़ाते हैं तुम्हें अभी,
लड़की या औरत मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड के बगैर, और अगर वो अनमैरिड है तो वो अपने भाई और बाप के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं अपने पर्दे में जाके, अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को, और भी लोगों को आगे आना चाहिए और अपनी फैमिली को, अपनी जो लेडी है ना उनको इतना ज़्यादा आप दें, प्रोटेक्ट करें, उनको ये हौसला दें कि वो कर सकती हैं। और यकीन करें घर से जो एतमाद और जो हौसला और जो सबसे पहले रिस्पेक्ट घर से मिलती है ना, वो बाहर से, बाहर वाले देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्यार मोहब्बत तो इससे कई ज़्यादा है। हम एक दूसरे के मियाँ बीवी तो शायद बाद में है, लेकिन पहले दोस्त हैं। तो हमारा दुख सुख, यानी मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड अब नहीं है, इनका कोई बेस्ट फ्रेंड अब नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं। ना मैं अपनी कोई बात जाके अपने मायके वालों में डिस्कस करती हूँ, ना ये कोई बात करते। तो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी खुशी आती है, ये हम चारों के बीच में ही होती है। और अब हमारी जो फैमिली यूट्यूब की है वो देखती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी इसी तरह से इज्जत और हौसला दे, और आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाबर भाई आप आए, मुझे यकीन करें इतनी खुशी हो रही है ना, और मैं जैसा देखती थी ना इनको वीडियो में, ये उससे भी कई ज्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह से। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बिल्कुल मेरी तरह के ये बोलने वाले। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने कभी ये फील किया था कि यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे? नहीं, ये कभी सोचा था नहीं। जब मैंने बाबर भाई ये चैनल बनाया था तो मैंने 1.5 साल का टाइम रखा, 1.5 साल में तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर जो है ना वो कंप्लीट करने, और फिर उसके बाद अर्निंग का तो मैंने सोचा ही नहीं था। सीरियसली बताऊं कभी ये था कि हाँ कभी इनकम आएगी, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक 2 महीने के अंदर ही जो है वो चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और हमें जो है वो अल्लाह पाक इतनी इज्जत दे देंगे। लेकिन ये फिर मैं बताऊँ कि इसके पीछे कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं था, किसी की प्रमोशन नहीं ली, ना किसी से शॉर्ट आउट लिया, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की, दिन रात मेहनत की, रातों को बैठ बैठ के एडिट करती थी। ये कहते थे सो जाए, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मेरी वीडियो सुबह आनी चाहिए, तब मेरा 9 बजे का टाइम था सुबह का। तो अंत तक मेहनत की है, अल्लाह पाक ने उसका दिया है रिजल्ट, और मैं सबको यही बोलूँगी कि मेहनत ज़रूर करें। और शुक्रिया मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, कि ये मेरे साथ हर तरह का साथ देते हैं। चले चले, मज़ा आ गया जी, आपने तो मोटिवेट कर दिया लोगों को। गुड हो गया। और ये अब हम ये देखने लगे कि हम क्या खाने जा रहे हैं। पहले तो सूप, कॉर्न सूप, और ये चिकन कॉर्न सूप, और ये इसके जनाब कॉन्डिमेंट्स, और साथ में हॉट एंड सॉर। चलें जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा चिकन है, ये हमारे खान के उस्ताद माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, ये अफगानी पुडिंग बनाते हैं, और साथ ही अफगानी पुलाव वगैरह भी, मटन चिकन सारा ये यहाँ पे सेक्शन में बनाया। अच्छा जी, तो खाना आ चुका है व्यूअर्स, ये देखिए, ये तो पहले नान है, नान तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट होते हैं नान। और ये बच्चों के लिए मलाई बोटी आई, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी होती है, लास्ट टाइम मैंने यहीं पर खाई थी। और ये बाबर भाई ने मंगवाया है चिकन शाशलिक विद राइस, और ये रायता है, और ये है जी बकरा कढ़ाई, और ये बकरा कढ़ाई जो है मुझे पसंदीदा, मेरे मुँह में पानी आ गया, बहुत टेस्टी सी। और ये है जी रायता, और ये चपली कबाब किसने ऑर्डर किए थे, वो छोड़ के गए, ये चपली कबाब हम दोनों खाएंगे। ये जी ये चपली कबाब सरदार भाई और मैंने जो है, ये अल्लाह को भी पसंद है ना बाबर भाई, और ये देखें ये सारी चाइनीज शॉप से खाता हूँ बहुत में, और ये जो रायता है ये वो है जो हम मिलके फैलाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे रायता फैलाएंगे। और ये चपली कबाब जो है वो जुल्फिकार साहब और बाबर भाई ने मंगवाए। तो चले बिस्मिल्लाह करें बच्चों, आगे बच्चों, बच्चे थोड़े मेरे आज सही नहीं है, और बस ये है कि इंशाल्लाह चपली कबाब, चाइनीज, ये क्या मलाई बोटी, मलाई बोटी, सैलेड, सैलेड है, रायता, ये जो सूप, और ये है जी, ओह सॉरी ये तो फिर आई है, देखे जी मटन, मटन कढ़ाई, ये बकरा है, बकरा बकरा है, और जो बकरा है ये बकरा अभी ये सारा खा जाएंगे। बकरा मुझे बहुत पसंद है, बकरा जिंदा भी बड़ा अच्छा लगता है। आपने जब आइंदा इनको दावत पे बुलाना है तो बकरा ही खिलाना है इनको। भाई बकरे से कम में बात नहीं है, किसी ने वो नहीं करना, बकरे से कम में बात नहीं, चले बकरा से चलता फिर तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा बकरा तो मुझे चलता फिर तो भी बहुत अच्छा लगता है। खाना खाते हैं भाई, शुरू करो खाना, मैंने पी लिया था, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। तो फिर खाओ मेरे नाल, खाओ मेरे नाल, हाँ सारे आओ मेरे नाल, खाओ मेरे नाल, तो छड़ो मेरी जान। तो ये अब मैं जो है ना ये मैं फड़काने लगा हूँ जी, ये है क्या है जी, ये दुर्गी भाई,
ये मलाई बोटी ये खा रहे हैं भाई ने अभी मलाई बोटी निकाली मलाई है। बोटी है लेकिन मेरी नजर है असल में शिकार मेरा है ये रहा ये शिकार है ये है मेरा शिकार टारगेट ये है लेकिन निशाना भी अब मैं आस्ता आस्ता जरा वार्म अप कर रहा हूँ और मैं ये खा रहा हूँ तो बताए कैसा लगा आपको ये मलाई बोटी कैसी लगी भाई पकी हुई है अंदर तक पकी हुई है सबसे बड़ी खसूसियत जो मुझे लगी है जबरदस्त है पास है और हमारे एक दोस्त बोलते हैं एक नंबर ऑथेंटिक है और जबरदस्त है माशाल्लाह मजा आ गया जी और साथ में ये खा रहे हैं चपली कबाब भाई टेस्ट कर रहे तो चपली कबाब भी खा रहे हैं हम साथ ये भी खा रहे हैं बड़ा अच्छा सा इसका ना जबरदस्त सा बहुत जबरदस्त है बहुत सॉफ्ट है सॉफ्ट है ना आपने कैसे एक्सप्लोर किया जगह को खुद ही आ गए थे वो रैंडम आए कबाब की बंद वहाँ पर रश था तो यहाँ आ गए कबाब जी के बिल्कुल साथ है ये नहीं खान के साथ खान के अच्छा खान के कबाब जी इधर है कबाब आ गए जरा जगह नहीं चले जाना भाई ये जहाँ ये जहर सी बात है जिस जगह को हम बताने आए हैं आपको उसी जगह बताएं गलत जगह नहीं पहुँच जाना भाई ये खान साहब के जो है बिल्कुल बराबर में है और यहाँ पर है 6 महीने हुए इसको स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ टूट पड़ो सारे जियालो आ जाओ और यहाँ पर टूट पड़ो आके वीडियो भी बनाओ आके वीडियो बनाओ भी बना आके वीडियो बनाओ और जो बाकी टिकटॉक बनाने वाले वो टिकटॉक बनाओ हाँ वो टिकटॉक बनाए बिल्कुल तो जी जनाब ये कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है और मैंने अभी निकाला है अपना थोड़ा सा सारे बकरे का अब करते हैं खाना स्टार्ट और मलाई बोटी की तो क्या ही बात है जबरदस्त या कावा मैं तो कुछ भी नहीं क्योंकि मेरे व्यूअर्स जानते हैं रात 8 बजे के बाद ना चाय ना कावा ये लो बनाओ चावा आप चाय कावा चाय चाय डिस्कवर वाले हैं भाई और ये हमसे माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर और मैंने इनको बुलाया था मैंने कहा है मेरा फैमिली शिनवारी को डिस्कवर करें आप भी और क्योंकि इनको काफ़ी मुझसे ज़्यादा इनके व्यूज अच्छे आते हैं और आपसे ठीक है खाना पसंद आया बहुत मज़े का लगा और ये आपकी दावत थी जो हमने कबूल की थी और हम आए इनको भी ले चले ताकि ये भी जरा एक्सप्लोर भी कर दें तो हम अपना काम भी कर लें आप खाना आपका बहुत अच्छा है मज़ा आया खा के और इतना माशाल्लाह से जितना आपका हाइजीनिक किचन है जिस तरह का बना हुआ सफाई और सर्विस माशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ा आया देख के अल्लाह ताला आपको कामयाब करिए मुझे पता चला है कम टाइम हुआ है आपको यहाँ पे अभी तकरीबन 5-6 महीने माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है और अल्लाह ताला अभी और इसको बेहतर बेहतरी इधर जाएगा इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है नहीं उस टाइम तो खेमे हम लोगों ने लगाया सर्दी के लिए ना अभी तो सर्दी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ा खेमे और जो कोने की जो खेमे वो बैठा देंगे फिर ओपन लग रहा है ना नेक्स्ट विजिट आपका होगा तो हमारा ये एरिया जो होगा प्लेइंग गेम जोन होंगे और यहाँ पे दूसरे हम चले जी ये मेरा ख्याल है वो कबाब जी वाला करने लगे कि कबाब जी में भी बच्चों के लिए राइड्स लगाई हुई तो यहाँ पे बच्चे मांग रहे हैं ना बच्चे मांग रहे हैं हम फिर लेडीज मेहंदी शादी भी मांगे भाई बहुत शुक्रिया जुम्मा खान भाई तो मेरे वैसे बड़े फेवरेट है जबरदस्त था हमेशा की तरह सर्विस बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात है इनका बहुत इज्जत दी है और एक उन्होंने भी बहुत इज्जत दी है और बस हमारी कोशिश ये होती है कि आपका जो ये यानी कि जो आपका रेस्टोरेंट है ना अगर वो अच्छा है तो उसको हम प्रमोट करें जो बुरी चीज़ होती है तो हम उसको भी बताते हैं लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है तो उसको भी हम ज़रूर बताते हैं ताकि लोग आए इंशाल्लाह ताला हमारे तवसल से भाई की वीडियो भी देखेंगे लोग तो ज़रूर आएंगे क्योंकि वो तो मुझे बताते हैं मेरे कमेंट में आके हम गए थे बहुत शुक्रिया भाई से मिलकर उनकी वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतने अच्छे बंदे हैं ना यानी कि इनमें कोई वो है ही नहीं जैसे कि मैं बड़ा यूट्यूबर बन जाता तो वो उसमें मैं क्यों मिलूं भाई नहीं मैंने एक बार कहा कि भाई मुझे आपसे मिलना है इन्होंने फट से कहा जी आपकी ज़रूर तो इस तरह से हम लोग आज आपके सामने हैं और भाई बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आप आए आपने हमें इज्जत बख्शी और मैं यही चाहूँगी आप सबको देखने वालों को कि भाई बहुत नाइस है और इनकी जो बात होती है जो आपको दिखाते हैं बताते हैं वो 100% बिल्कुल ठीक होती है और यही वजह है कि आज हम यहाँ लेकर आए थे क्योंकि खैबर शिनवारी हमें बहुत पसंद आया था तो हम चाह रहे थे कि भाई भी आए
और यहाँ आकर देखें, एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें, ताकि आपको बता सके कि खैबर शिनवारी कैसा लगा आपको खाना यहाँ का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो अपनी जो स्पेस है उससे ज़्यादा ही खा लिया, अपना खीर भी खा गया जी, कवाए पी लिया, चाइनीज़। अच्छा, इतनी जो है ना इनकी ज़्यादा वैरायटी है, चाइनीज़ भी है, बारबेक्यू भी है, फिश भी है, उनको बकरा खाने के शौकीन है जो उनके लिए बकरा भी है, जैसे ये बकरे की शौकीन है तो बकरा भी है। बकरा तो मुझे चलते फिरते भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये यानी कि ये बिहाइंड द कैमरा भी एक मैसेज है इसके अंदर। तो तो लेकिन मजाक की बात है, लेकिन ये कि भाई इसको सीरियस मत लीजिएगा। और जो भी व्यूअर देख रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि दो कैमरे हैं हमारे, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट पे दोनों कैमरे हैं। अब ये सब एक वो इसलिए होता है कि आप लोग इन्जॉय करें, आप लोगों को जैसे हम लोग नेचुरल हैं वैसे ही हो, क्योंकि भाई देखें कोई चीज़ गुरूर करने वाली नहीं है, कोई इसमें तकब्बुर करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला इंसान को इज़्ज़त देता है, वो मेहनत करता है, सही नीयत से सही रास्ते पे चलता है तो अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है। बाकी इंसान की कोई औकात नहीं है, कोई उसकी ऐसी वो नहीं है भाई। लेकिन ये कि आप भी जो लोग भी नए यूट्यूब में चैनल बना रहे हैं आ रहे हैं, उन सबको मेरा भी यही मैसेज है कि अपनी मेहनत करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालें, क्योंकि ये एक दो वीडियोज़ का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस एक सफ़र है, ये पूरा एक समझ लें कि एक पूरी साइंस है इसके पीछे। कई सौ वीडियोस बनती हैं, फिर जाके उनमें से कोई एक वीडियो वायरल होती है और फिर आपको वो जगह आस्ता आस्ता मिलनी शुरू होती है। ये पूरा एक काम है, अगर आपका पैशन नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल ये है कि मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं इंशाल्लाह हम भी उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यही होता है कि आप जब हमारा मिलने का मकसद ये नहीं था कि ये मुझे प्रमोट करें या मैं इनको आप लोगों के सामने लाऊं, आप लोग तो ऐसी बात है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ मीटअप रखती हूँ, इसी तरह से हम अपने यूट्यूबर्स के साथ भी मीटअप रखें, चाहे वो कितना भी बड़ा है या कितना भी छोटा है हमसे। हम सब एक पेज पे है, एक प्लेटफॉर्म पे, और सब बराबर है और सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत करें। सिर्फ हमारा यही एक मिशन है। इंशाल्लाह ताला बाबर भाई हम इसको वसी करेंगे दायरे को, और भी हमारे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे मजीद जो अच्छे यूट्यूबर है कराची के, हम उनको भी अपनी कंपनी में लेकर आए और आपके सामने आपको दिखाएं जरूर। और इससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि आप एक दूसरे के हेल्प भी करते हो इस तरह से कि आप, मैंने आज बाबर भाई से बहुत कुछ सीखा, इन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, मैंने बहुत कुछ पूछा, तो ये सब चीज़ें आपको मिलने से ही होता है। तो मैंने इसके अलग पैसे दिए इसके पैसे। इसमें कुछ लोग जो बैड कमेंट वाले वो यकीन भी कर लेंगे। नहीं भाई मजाक की बात है, देखें ये मत समझा करें, हम कहीं जा रहे हैं वो अक्सर लोग मैसेज कर रहे थे जी फ्री खाना खा रहे हैं, ये कर लेते हैं कि फ्री खाना नहीं खाते, पैसे देते हैं। बहुत सारे देखें सब्सक्राइबर होते हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, हम जाते हैं पे करते हैं, कोई फ्री में नहीं कोई खाता भाई, ना कोई किसी को पैसे देने बुलाया है बिल आपको। और बाकी ये है कि आज का तो आपको पता ही है कि जुमा भाई की दावत थी, और मैं चाह रही थी कि ये भी एक्सप्लोर करें और डिस्कवर करें यहाँ पर आकर। तो इंशाल्लाह ताला इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और हमारा मीटअप अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर भाई के भी जो चैनल वाले हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम दोनों को जो ना आप लोगों ने सिल्वर बटन दिलवाया है जल्दी से जल्दी, पहले सिल्वर उसके बाद फिर गोल्डन और उसके बाद फिर आगे भी जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मिलियन लोगों के माइंड में ऐसा है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मेरी नज़र में मिलियन भी कुछ नहीं है, इंशाल्लाह ताला उससे बहुत आगे जाएंगे। और अभी बोलेंगे ये अभी 50,000 है, मिलियन की बातें कर जाएंगे, इधर ही बोला जाएंगे उधर ही बोला जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरा जो है ना वो मैं देता हूँ, इतना होता अल्लाह ताला का है कि हम तो जहाँ सोचते ना कि बस इतना ही काफ़ी नहीं, अल्लाह पाक कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरी आगे है। तो खुदाई के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए, हिम्मत पे यकीन होना चाहिए। भाई आपको बहुत शुक्रिया, सिस्टर आपको बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने आए आप लोग आए, और मेरे हस्बैंड का भी बहुत शुक्रिया कहते हुए जी भाई का बहुत शुक्रिया जो बिहाइंड द कैमरा इतनी मेहनत मैं लेकर आती हूँ ये मेरा भी बहुत शुक्रिया। हाँ जी देखिए ये है, देखिए असल कैप्टन यहाँ पर है। हाँ। ये जो ये ना हो तो फिर वीडियो ये ना हो तो फिर ये चैनल इतना तो आगे नहीं बढ़ता था। हाँ। आप क्या कहेंगे जी अपने कुछ
वो मैसेज आप देना चाहें अपनी वाइफ के लिए या फिर लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं तो हर टाइम हर वक्त इसके साथ हूँ और जितनी मैं कर सकता हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पूरी तरह सपोर्ट करूँ। काफ़ी हद तक हम करते हैं, बस कुछ मजबूरियाँ बच्चों की जो पढ़ाई और हमारी जॉब है वो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर उनको भी देख के और साथ में लेके चलना होता है। बाकी ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करिए, मैं हर वक्त इसके साथ हूँ। अल्लाह ताला आपको, मैं तंग तो नहीं करती ना? नहीं, तंग तो बिल्कुल भी नहीं करती। वो कह रहे थोड़ा, वो कह रहे थोड़ा तंग नहीं करती। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं करती वो, अभी मैंने यहाँ बोल के मन्ने तो लेकिन ये है कि भाई देखें हमारे माशरे में औरतों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप किसी नेगेटिव वे में किसी को सपोर्ट करना शुरू कर दें, लेकिन जब आपको पता है कि कोई बंदा पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो रहा है तो उसका साथ दें। ये नहीं करना कि जी मैं मर दूं तो जी मैं नहीं छड़ना किसी को भी, हाँ। तो ये नहीं करना, फिर वो बोले छड़ो मेरे नाल, तो फिर ये है कि जी एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे के लिए ना आसानी बने। बिल्कुल, मेन चीज़ यही है, एक दूसरे के लिए आसानी बनना होता है, चाहे वो आप किसी भी सेक्शन में आ जाएं, गाड़ी पार्क करने से लेके और बड़े कामों तक। आप इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में लगा देंगे ना कि मुझे लोगों के लिए आसानी बनना है, बाकी तो आगे देने वाला तो अल्लाह ही है भाई। और बस ये एक छोटा सा मैसेज है कि इसको ज़्यादा ज़्यादा फॉरवर्ड करें कि लोगों के लिए आसानी बने। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये सारे सब्सक्राइबर मेरे पास आ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। लेकिन ये कि भाई अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं, फिल्म बहुत लंबी चल गई है और बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिवनेस जो है आज बाहर निकली है सबकी, और बहुत मुझे सीखने को, मुझे भी बहुत कुछ मिला और मजा। इंशाल्लाह आगे भी मीटअप करते रहेंगे, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।